शास्त्री में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम 10th क्लास को जो होता है परमेय अपरमेय जो सिद्ध करने वाला होता है क्वेश्चन, उसको लेकर के आया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर आप लोग को क्वेश्चन में देखना क्या है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को ये जो हम बता रहे हैं और अब बताएंगे वो सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आप लोग को बोर्ड में आने का बहुत सारा चांसेस होंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि जो 12th वाला स्टूडेंट है, आप कृपया करके प्लीज करके आप लोग नेक्स्ट यानी कि जो 10th वाला स्टूडेंट है उसको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप लोग के यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है दोस्तों, वेरी सिंपल है, खाली आप लोग ध्यान से देखिएगा, हार्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम लोग मानेंगे, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या, पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो मानते हैं यानी कि जो p बटा q के रूप में मानते हैं उसको अब लिख लेते हैं। ठीक है, जहां जहां a और b एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है, हो गया, एक पूर्णांक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए रूट टू बराबर a बटा b लिख लिए, ले लिए, जो यहां पर लेंगे उसको यहां पर ही हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस पर से जो है ये रूट हटेगा तो इनमें स्क्वायर आ जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा a बाई बी के स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए टू स्कल टू, अब दोनों के स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों के अलग अलग स्क्वायर दे दिए। अब देखिए इधर ये भाग में है मतलब नीचे है तो इन्हें ऊपर जाएगा, तो टू बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण एक मान लिए इसको, मान लिए, लेकिन एक यानी कि आप लोग को समझाने के लिए एक लाइन यहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए एक लाइन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इधर ही ऊपर में है तो इधर कहां जाएगा, नीचे में, तो देखिए ए स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, टू हो गया, टू हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब बटा में कितना है, दो, यानी कि ए स्क्वायर को जो है ना टू जो है क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित यानी कि बटा में जो जाता है वो विभाजित करता है। जैसे आप लोग को हम जैसे आप लोग समझते होंगे, दस को अगर हम दो से भाग दे तो इसको काट दिए पांच दाम, यानी कि दो जो है इसको बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए दो जो है इसको ए स्क्वायर के बटा में यानी कि विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ही, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, टू कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है तो टू कॉमा ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं लिख दिए हैं कि दो जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो टू जो है ए को भी विभाजित करेगा, यानी कि अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से हम मान लेते हैं फिर से। ठीक है, फिर माना कि अब देखिए अब यहां क्या करेंगे, ए बराबर टू सी, यानी कि ए बराबर हम यहां पर टू है तो आप लोग को हम बताते हैं कि अगर टू रहेगा ना तो टू मानिएगा, थ्री रहेगा तो थ्री मानिएगा, मतलब सिंपल करने का तरीका आप लोग को जब यानी कि प्रॉब्लम करता है, तो अगर फाइव रहेगा तो फाइव, ठीक है, और सी, ठीक है, मान लिए। अब यहां सी एक क्या है, तो पूर्णांक है, हम सब ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं सी। ठीक है, सी क्या है,
पूर्णांक है, सी क्या है पूर्णांक है। अब देखिए फिर हम इतना मान लिए हैं, अब क्या करेंगे हम सब लिखेंगे कि समीकरण समीकरण एक में ठीक है ए का मान रखने पर, ठीक है रखने पर, अब समीकरण एक में ए का मान रखने पर, अब ए का मान जो है समीकरण एक में रखते थे, देखिए दोस्तों ए कितना है तो यही ना एक है समीकरण 2b² बराबर a स्क्वायर हो गया, यही ना है समीकरण एक देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे 2b² इक्वल टू ठीक है 2b² इक्वल टू a का मान कितना है, देखिए यहां पर a का मान जो है 2c है यानी कि 2c के स्क्वायर हो गया ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर a का मान 2c है तो a के जगह पर 2c आए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 2b² इक्वल टू अब क्या हो जाएगा देखिए 2 के स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया c के स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे इसको ना हम 2 से काट देते हैं, कट गया तो क्या बनेगा दोस्तों n ऊपर में 2 है देखिए b² ठीक है ये b² बराबर हो गया यहाँ पर 2c के स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं इन्हें ऊपर में है तो इन्हें नीचे में चल जाएगा b² / कितना इधर लिखते हैं दोस्तों देखिए दिखाई नहीं देगा ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ b² नहीं गुना में है यानी कि ऊपर है तो इन्हें नीचे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा यानी कि ये हो गया b² / 2 इक्वल टू c² देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से b² यानी कि 2 इधर चला गया बटा में ठीक है और c² अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि देखिए a² जो है a² के विभाजित 2 क्योंकि 2 बटा में और देखिए यहाँ b² के बटा में 2 है तो यहाँ पर यानी कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है b² को तो b को भी यानी कि 2 जो है विभाजित करेगा ठीक है। देखिए अब क्या लिखेंगे कि 2, b² को विभाजित करता है तो 2, b को भी विभाजित करेगा ठीक है करेगा। अब बात रहा दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि 2, यानी कि जे बटा में आता है वही उसको विभाजित करता है ठीक है यानी कि 20 के बटा में 4 है यानी कि 4 जो है 20 को क्या कर रहा है विभाजित करेगा 5 दाम में ठीक है 5 दाम में। अब रहा बात दोस्तों यही लाइन है ठीक है देखिए यहां पर ही था a² के बटा में 2 तब ना हम यहां लिखे 2, a² को विभाजित करता है तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। यही बात देखिए दोस्तों यहाँ b² के बटा में 2 है यानी 2 जो है अब किसको काटा है b² को यहाँ a² को काटा था वहां b² के काटेगा ठीक है। अब वही बात लिखना है जो यहाँ है वो वही है ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों अब देखिए अब हम बात करते हैं कि यहां पर देखेंगे कि a और b का ठीक है a और b का यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है क्योंकि दोनों के अभी कौन काट रहा है 2 काट रहा है 2 है ठीक है दोस्तों 2 है ध्यान दीजिएगा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड अभी तत्काल में क्या है 2 है ठीक है यानी कि a और b को विभाजित करने वाला कौन है तो 2 है। ये भी लिख सकते हैं कि देखिए दोस्तों a और b का ठीक है विभाजित 2 करता है ठीक है ठीक है लेकिन या विरोधाभास है क्या है विरोधाभास है। अब बताइए दोस्तों विरोधाभास क्यों है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए यहां लिख देते हैं हम आप लोग को क्योंकि देखिए क्यों है विरोधाभास समझिएगा ठीक है
क्यों है विरोधाभास? क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है, गुणनखंड यहां पर छूट गया, देखिए गुणनखंड ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। आप बात समझिए दोस्तों, देखिए अब यहां पर यहां तक कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। दो देखिए बी एस ए स्क्वायर के बटा में दो है, तो दो जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो सिंपल बात है तो दो जो है ए को भी विभाजित करेगा ठीक है। अब देखिए जैसे हम आप लोग को बताते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि हम 10 के स्क्वायर लिखे ठीक है, 10 के स्क्वायर हो गया 100, हो गया 100 हो गया, तो हम इसमें अगर हम 10 से भाग देते हैं या हम 5 से भाग देते हैं, तो बताइए आप कि अगर 10 के स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप इसको काटिएगा तो 20 दाम में कटबे ना करेगा, ई वाला 20 दाम में कट जाएगा। अगर देखिए हम 10 के स्क्वायर यानी कि 100, और 100 के जब हम 5 से भाग देंगे तो आप लोग को कट जाएगा कितना दाम में, 20 दाम में। अगर हम इसी को अगर हम 10 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये तो 2 दाम में कट ही ना जाएगा, कट ही गया। उसी प्रकार यहाँ बात कर रहा है कि जब मान लीजिए कि ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 से ए काहे में विभाजित होगा, जैसे यहाँ बात करते हैं जब मान लीजिए कि 10 स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है तो 10 काहे नहीं 5 से विभाजित होगा, बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये वर्ड लिखे फिर से, माना कि हम माने थे ए बराबर 2 से लिए थे ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समीकरण ए में एक में ए का मान हम रख दिए, देखिए यहाँ पर ए के मान रख दिए, रखने के बाद इसको स्क्वायर किए तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया। अभी 2 से 2 काट दिए, 2 दाम में कट गया, इन्हें गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा, भाग में ये आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ देखिएगा कि बी स्क्वायर के बाटा में कौन है, तो 2 है, यानी कि अब बी स्क्वायर के कौन विभाजित कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 कर रहा है यहाँ पर ही, तो बताइए कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो कि आप बताइए कि अगर 8 स्क्वायर के अगर 4 विभाजित करेगा ठीक है, 8 स्क्वायर के अगर 4 विभाजित करेगा, तो आप बताइए आप लोग कि 8 को 4 क्यों नहीं विभाजित करेगा, करेगा। उसी प्रकार यहाँ बात है कि जब बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो बी को भी 2 विभाजित करेगा, बस वही मैटर है यहाँ वाला, सेम टू सेम। लेकिन यह देखिए यहाँ पर ए और बी का विभाजित 2 करता है यहाँ पर, अभी तत्काल में कौन कर रहा है, 2 कर रहा है ठीक है, करता है, लेकिन यह विरोधाभास है। अब कहिएगा कि विरोध कहाँ है, काहे विरोध कीजिएगा, तो क्योंकि अब समझिए दोस्तों, बताइए अगर हम आप लोग को सिंपल तरीका से बताते, कुछ समय लेंगे लेकिन आप लोग समझ पाइएगा इसको ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 5 के 1 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात की 5 से ही कट जाएगा, 1 के पार है 5 दाम में था। अगर मान लीजिए कि 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 5 दाम में कट जाएगा, अगर हम 20 के 5 से काटते हैं तो 4 दाम में कट जाएगा, आप लोग को पता है। लेकिन अब ये बताइए दोस्तों, अगर हम ये 2 से अगर बी स्क्वायर के काटेंगे तो कै दाम में कटेगा, पता है आप लोग को, एकदम पता नहीं, ये कटवे नहीं करेगा दोस्तों। देखिए यहां पर अगर हम b को अगर जैसे हम यहाँ पर बात किए 1 से अगर हम 5 में भाग दिए तो 5 दाम में, अगर हम 7 को 1 से भाग दिए तो 7 दाम में, अगर 8 को हम 1 से भाग दिए तो 8 दाम में, अगर हम b को 1 से भाग दिए तो b दाम में ना कटेगा है। अगर 1 यानी कि b को हम 1 से भाग दिए, अगर a को हम 1 से भाग दिए तो क्या दाम में कटेगा, a दाम में ना कटेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हम b में 2 से भाग देंगे तो क्या दाम में कटेगा, है ये नहीं है, कटवे नहीं करेगा दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ पर काटते हैं तो इसका कोई अंक निश्चित आता है, लेकिन इसका कोई निश्चित अंक है नहीं है। फिर देखिए अगर 1 से भाग देते हैं तो निश्चित अंक है कि बी दाम में कटेगा, अगर ए में हमें 1 से भाग देते हैं तो निश्चित है कि ए दाम में कटेगा ठीक है।
लेकिन आप लोग को यह निश्चित नहीं है कि अगर हम बी से अगर हम बी को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना दाम में कटेगा, ये गलत बात है, ठीक है, कि गलत बात है, इतना याद रखिएगा। तो इसी प्रकार यहां लिख दिए कि लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है, क्योंकि एक ही है जो आपको ए को काट सकता है, बी को काट सकता है, वो कौन है, एक है, ठीक है, एक ही है जो ए और बी सी डी कोई को काट सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसीलिए हम यहां लिखे हैं कि लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। बात समझ में है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक के छोड़ करके आप लोग को कोई दूसरा अंक नहीं है जो कि अब ए और बी को विभाजित करेगा। आप लोग को अभी हम बहुत बताए क्योंकि ए को अगर हम एस एक से भाग देते हैं तो एक दाम ए दाम में कटेगा, बी को अगर हम एक से भाग देते हैं तो बी दाम में कटेगा, और लेकिन हम ए को अगर हम 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो दोस्तों उसका कोई निश्चित नहीं पता चलता है कि कितना दाम में कटेगा। इसीलिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी बढ़िया बढ़िया से कटे वाला एक ही गो अंक है, वह एक है और एक के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया है कि लेकिन यह विरोधाभास है क्योंकि एक ये क्वेश्चन कर रहा है ए और बी इसका विभाजित कर रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यह विरोधाभास है, ये विरोध कर रहा है कि नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कौन है, एक है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तब हम सब यहां लिखेंगे कि हमारा हमारा मानना मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः अतः हम कहां लिखे कि हमारा मानना गलत है, शुरू में माने थे, माना कि रूट डू एक पर्वय संख्या, तो ये जो माने हैं यहां पर ही गलत साबित कर दिए, ठीक है। इसीलिए अतः अतः रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। रूट अंडर टू जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग को जो है इसी पर यानी कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज करके, मतलब रहेगा यही टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है ये वाला वर्ड बनाने में, तो आप लोग इसको समझिए, एक को समझिए, आप 50 को बनाइए, ठीक है, सिंपल तरीका से हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। इसी टाइप के आप जो भी वीवीआई एचसीएफ एलसीएम सिद्ध कीजिए कि 6q + 1 6q + 3 एक ये सम धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं, ये जितना भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थापन विलोपन, ठीक है, उसके बाद आप लोग को त्रिकोणमिति, अब जो भी होगा आप लोग को हम डालते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप अपरिमेय संख्या वाला फाइल खोलिएगा ना, तो उसमें आप लोग को, या प्लेलिस्ट नहीं जाइएगा, अगर वीडियो यानी कि जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए तो उसको वीडियो को खोलिएगा जो है उसको देखिएगा, तो आप लोग को परमेय अपरमेय वाला जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट में अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके कैसे बना देते हैं तुरंत, ठीक है, खाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसी को चेंज करते हैं, अगर यहां क्वेश्चन आ जाए रूट 5 हो गया तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस एक को याद हो गया, कुछ ना करना है, बस जहां जहां 2 है ना वहां वहां 5 कर देंगे, हो गया, सिद्ध करना है क्या चीज, रूट 5, तो रूट 5। अब यहां देखिए ना, यहां भी रूट 5 हो गया ना, रूट यानी कि रूट नहीं है यहाँ 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा 5, अब यहाँ माने थे यहाँ भी हो जाएगा 5, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ भी हो जाएगा 5, अब यहाँ भी हो जाएगा कितना 5,
ठीक है, और यहां हो जाएगा कितना, 5 के स्क्वायर 25, 25, और यहां हो जाएगा 5। अब इसको काटिए ना, कैदा में काटिएगा, तो 5 दा में ना काटिएगा, तो यहां 5 लिख दीजिएगा, अब यहां क्या आ जाएगा बटा में, तो 5 ना आएगा, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, 5 ना लिखेंगे, ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब कहां, यहां पर 5 लिखेंगे, अब कहां बच गया, कहां बच गया, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, यहां क्या लिखेंगे, तब 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग को कैसे आसान से नहीं बनता, यानी कि समझिए कि आप लोग को फार्मा दे दिए और फार्मा से आप लोग को तैयार करना है, ठीक है। फार्मा देख लिए, अगर आप लोग को और ज्यादा बनाना है, कम बनाना है, जो भी है, आप कुछ दे दे दोस्तों, कुछ भी तीने वाला, तब बैठ बैठ चल जाइए एकदम, जहां जहां है ना वहां वहां तीन बैठाइए ना, यहाँ देखिए ना, तीन तीन हो गया, यह देखिए सौ के जगह पर तीन तीन बैठा देंगे, बैठा दिए, समझिए एक तरह से फार्मा, लेकिन ज्यादा कष्ट होता है तब, ना तो जो नियम है उससे आप बनाते चलिए, ठीक है, आप लोग को जो याद है बनाते चलिए, अगर कष्ट होता है तो ये वाला देखिए ना, एकदम वेरी सिंपल हो गया। अब यहाँ देखिए ना, तीन होना गया, अब कहाँ चले, यहाँ चलते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, जहां जहां 5 है वहां वहां कथी कर देंगे, तीन कर देंगे, जादुए के खेल समझिए इसको, हो गया ना तीन। अब देखिए नहीं है तो तीन होना गया, अब यहाँ भी कितना हो जाएगा, तीन ना हो जाएगा, आप बताइएगा तो यहाँ तो हो जाएगा तीन ना, और यहाँ तीन के स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो तीन के स्क्वायर 9, और ये 9 के जब हम 3 से काटेंगे तो तीनवे दाने ना कटेगा, तो यहाँ तीनवा लिख दीजिए ना, तीन होना गया, तो हेतु कथी हो जाएगा दोस्तों, तीन ना होगा, तो हिया क्या होगा, तो तीने होगा। अब देखिए दोस्तों, अब कहाँ होगा, हिया होगा तीन, अब क्या हो जाएगा, करने है करने है, खोजिए तनी आप लोग भी बताइए, करने है, यह हो गया, तो ये भी हो गया क्या चीज, तीन ना होगा। अब देखिएगा कहीं होगा 5 चाहे कोई दूसरा होगा, तो उसको 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को फार्मा रेडी होगी, आप लोग सेटलमेंट कीजिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल्स बताया आप लोग को, ठीक है, और ऐसे ज्यादा भी डिटेल्स है अगर चाहिएगा तो, यानी कि वीडियो लंबा बन जाता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना, यानी कि आप 12th में है यदि, तो आप 10th वाला को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं और उससे लड़का को फायदा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग को इसी टाइप के, देखिए दोस्तों घबराइएगा नहीं, देखिए अगर यहाँ दे देगा 7 तो सब जगह 7 7 7, यहाँ 7 के स्क्वायर तो 49 हो जाता, आ यहाँ 7 तो फिर करता 7 दा में करता, ठीक है, हुआ हो जाता बटा में 7 हो जाता, फिर जहां जहां कथी है, जहां जहां में 3 होगा, यह देखिए वो यह है बच्चल, देख लीजिएगा तीन, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 7 बैठ जाता, ठीक है, 11 रहेगा ना, 11 समझे ना, 11 रहेगा ना, तो ये सब जगह 11 11 11 लेके चल जाते, ठीक है, 11 11 11 ये सब तो 11 होता है, यहाँ 11 के स्क्वायर 121, और जब हम 121 को अगर हम 11 से यानी कि भाग देंगे, काटेंगे तो 11 ही दाम कटेगा, यानी कि यही तो 11 ही आ जाएगा, बटा में 11 बाकी सब जगह पर 11 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस टाइप के एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग भूल चूक नहीं कीजिए, तनका इसको रट लीजिए और थोड़ा अगला स्टूडेंट के हेल्प कर दीजिएगा, बस और क्या, ठीक है।